मैं हूं शारिक खान और आप देख रहे हैं ओल्ड टाइप नॉलेज चैनल। अमरीकी एजेंसी जो दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर बनाए हुए रखती है, मंगलवार को उसने एक अपनी रिपोर्ट सबमिट की है जिसमें उन्होंने भारत को उन 14 देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया है जिसमें अल्पसंख्यक लोगों का, मुस्लिम लोगों का उत्पीड़न, धार्मिक उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 2004 के बाद ये पहली बार भारत इस कंडीशन में आया है जिसमें कि मुसलमानों का इंडिया में धार्मिक उत्पीड़न बढ़ता चला जा रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार हम अब आपको बताते हैं, यूएस सी आई आर एफ जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एजेंसी है जो दुनिया भर में धार्मिक आज़ादी पर नज़र बनाए हुए रखती है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके बताया कि अब भारत 2004 के बाद पहली बार उस कैटेगरी में पहुंच चुका है जिसमें मुस्लिम लोगों को धार्मिक उत्पीड़न की अधिकांश अपनी जो है परेशानियां उठाना पड़ रही हैं और एनआरसी और सीएए बिल इंडियन गवर्नमेंट के लाने के बाद बहुत सारे लोगों को बेघर होना पड़ेगा, कंट्री लेस होना पड़ेगा और स्टेट से बाहर जाना पड़ेगा। इसी रिपोर्ट को अपने भारतीय एजेंसी एएनआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया है कि हम अमरीकी इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हैं और ये पहली बार नहीं जो अमरीकी एजेंसी ने भारत के खिलाफ इस तरह की बातें कही। अब सोचने वाली बात यह है कि 2004 से लेकर 2020 तक इन 16 साल की वाली बात यह है कि 16 साल की इस लंबी टाइमिंग के बाद अमरीकी एजेंसी यूएस सी आई आर एफ को ऐसा कहना क्यों पड़ा और उन्होंने ऐसा क्यों कहा। एक्चुअली होता ऐसा है जब किसी देश की रिपोर्ट देनी होती है तो वो एजेंसी उस देश पर पूरी रिसर्च करती है, एक साल तक उस देश का पूरा अध्ययन करती है, वहाँ की कम्युनिटी और वहाँ के जितने रिलीजन्स हैं, वहाँ पर जितने लोग हैं, सबको पढ़ती है, बारीकी से अध्ययन करती है कि किस इंसान को कितनी उस परेशानी हो रही है। पूरे साल की अध्ययन करने के बाद वो संस्था यूएस सी आई आर एफ उसका जो है रिजल्ट देती है। वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बनाई हुई एजेंसी पूरी दुनिया में इस बात को शो करती है कि उस देश के अंदर इस धर्म के लोगों का उत्पीड़न बढ़ रहा है या हो रहा है। अभी बर्मा और नाइजीरिया जैसे देश भी इसमें शामिल हैं, चाइना को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। 14 देश इस तरीके के हैं जो जिसमें माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यक लोगों का उत्पीड़न बढ़ रहा है लगातार। अब उसी देश में अपने भारत को भी शामिल कर दिया गया है। यूएस सी आई आर एफ के ट्विटर हैंडल पर किए हुए ट्वीट को हम दिखाते हैं, ये रहे आपके स्क्रीन। दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस 2004 that US CIRF recommends India as a country of particular concern। इसमें ये बता रहे हैं अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में, साल 2004 के बाद ये पहली बार है जब US CIRF ने भारत को कुछ खास चिंताओं वाले देशों की सूची में शामिल कर दिया है। US CIRF की उपाध्यक्ष नैंडिन माइजा ने कहा, भारत के नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी से लाखों भारतीय मुसलमानों को हिरासत में लिए जाने और डिपोर्ट करे जाने और स्टेटलेस किए जाने का खतरा बढ़ रहा है। यानी एनआरसी और सीएए कानून को पास करने के बाद लाखों मुस्लिम्स जो घर से बेघर होने वाले हैं, इस चीज का खतरा लगातार बढ़ रहा है। और दूसरे ट्वीट में इन्होंने कहा है, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन इंडिया पोटेंशियली एक्सपोजेस मिलियंस ऑफ मुस्लिम टू डिटेंशन, डेपोरेशन एंड स्टेटलेसनेस। व्हेन द गवर्नमेंट कंप्लीट्स इट्स प्लान्ड नेशनवाइड नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप्स। यूएस सी आई आर एफ वाइस चेयरमैन, ये जो यूएस सी आई एफ के वाइस चेयरमैन है, उनका कहना है। इस रिपोर्ट के कहने के बाद वही भारतीय एजेंसी एएनआई ने क्या कहा, चलिए दिखाते हैं। ये रही एएनआई का ट्विटर हैंडल से किया गया ट्वीट, वी रिजेक्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन इंडिया इन यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यूएस सी आई आर एफ एनुअल रिपोर्ट।
इट बेस्ड एंड टेंडेंशियस कमेंट्स अगेंस्ट इंडिया आर नाउ आर नॉट न्यू बट ऑन द ओकेशन इट्स मिसरिप्रेजेंटेशन हैज रीच्ड न्यू लेवल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से आया है भारत की। तो ए समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा हम इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हैं और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब भारतीय एजेंसी ने भारत के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणियां की हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि 2004 से लेकर के 2020 तक इस 16 साल लंबे टाइमिंग के बाद US की इस तरह की जो है टिप्पणी इंडिया के ऊपर आई है, तो इसकी नौबत ही क्यों आने दी जो उस संस्था को ऐसा करना पड़े जो इंडिया को उस कैटेगरी में रखे। सोचने वाली बात दोस्तों ये है। अब ANI इंडियन एजेंसी कहती है कि हम इस टिप्पणी को, इस उनकी सोच को, इस स्टेटमेंट को, इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हैं। अब खारिज करने से क्या होगा, जो सच है वो तो बदलेगा नहीं ना दोस्तों, जो बात सच है वो तो सच ही रहेगी। तो ये पहली बार ऐसा हुआ जो US की एजेंसी ने भारत मूल के लोगों के लिए इतनी चिंता जताई, खास करके एक समुदाय के लिए, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी के लिए। तो मुस्लिम लोगों का धार्मिक उत्पीड़न इंडिया में बढ़ता चला जा रहा है, इस बात की जो है चर्चा अमरीका में भी हो रही है। ये मान लीजिए अब जिस देश की चर्चा, जिस पार्टिकुलर किसी एक चीज की चर्चा विदेश में होने लगे वो खतरे की तरफ जा रहा है। तो ये थी हमारी रिपोर्ट BBC न्यूज हिंदी के साथ ओल्ड टाइप नॉलेज चैनल पर। और थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें।